दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। देश में एक बार पुनः कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने देश व प्रदेशवासियों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की है, ताकि कोई भी देशवासी कोरोना वैक्सीन लगाने से महरूम ना रहे। 104 वर्षीय श्याम शरण नेगी स्वयं भी कोरोना वैक्सीन का डोज लगा चुके हैं। श्री नेगी ने इस दौरान कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी लोग वैक्सीनेशन करें। साथ ही वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना व हाथ धोने की प्रक्रिया जारी रखें। सबसे मैं आप ग्राम वासियों से या देशवासियों से अपील करता हूँ, इस टीके से को लगाए बिना खाली या महरूम ना रहें, सब खुशी खुशी शांति के साथ टीका लगाओ करके, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।